जनपद में बेमौसम बरसात होने के कारण बाढ़ की स्थिति आ गई है। राप्ती नदी और सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि जनपद के बहरामपुर, शेरगढ़, कोलिया के कई घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण लोगों को घर से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहरामपुर में स्कूली बच्चे नाव से स्कूल को जा रहे हैं। 12 अक्टूबर को भी बारिश होने का अनुमान है, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद के सभी बोर्ड एवं परिषद के नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल कॉलेज 12 अक्टूबर दिन बुधवार को बंद करने का निर्देश दिया है। बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीणों को घरेलू सामान ले जाने और लाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद ने राप्ती और घाघरा दोनों ही नदियां एक दिन में करीब 1 फीट 2 फीट तक बढ़ रही हैं। नदियों के बढ़ते जलस्तर से 100 से अधिक गांव प्रभावित हो गया है और 25 गांव के रास्तों पर पानी आ गया है। उन्होंने बताया कि बाढ़ क्षेत्र में 120 से अधिक नावों की व्यवस्था की गई है तथा गांव में राहत सामग्री, भूसा और दवाइयां वितरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्र गांव में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी देखरेख के लिए आशा बहुएं लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि बहरामपुर में अभी बाढ़ का पानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर केवल नदी के फैलाव का पानी है। बहरामपुर गाँव के लोग अपने प्रयोग के लिए अपनी नाव रखते हैं और बहरामपुर के लोग सभी सुरक्षित हैं तथा निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक नाव में अपना सुरक्षित उपकरण लेकर चलें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, चेक करी होता है, चेक करी होता है, नहीं बताइए उनके हमारे घर में हाँ कैसी रही। राजेश, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ, प्रभारी अधिकारी आपदा हूँ। जैसा कि आप 4-5 दिन से देख रहे हैं, हमारे जनपद में राप्ती और घाघरा दोनों का ही राइजिंग ट्रेंड है, अर्थात दोनों ही नदियां बढ़ रही हैं। एक दिन में लगभग 1 फुट से 2 फुट तक, लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास उनका राइजिंग का ट्रेंड चल रहा है। ये संभवतः एक दिन तक और रहेगा, कल के बाद फिर ये डाउन होने लगेंगी। इस राइजिंग ट्रेंड की वजह से हमारे जनपद के लगभग 80 से 90 गांव प्रभावित हो गए हैं। करीब 25 गांव मैरूंड हैं अभी। मैरूंड का तात्पर्य ये है कि उन गांवों में जो आवागमन का रास्ता है, उन रास्तों पर पानी आ गया है। हमारे जनपद में लगभग 40 नावें लगा दी गई हैं। जनपद में जो जो गांव मैरूंड हो गए हैं, वहाँ वहाँ राहत वितरण का काम, भूसा वितरण का कार्य, दवाइयाँ वितरण का कार्य इत्यादि चल रहा है। जो भी गांव मैरूंड हैं या प्रभावित हैं, उनके वो जिन पीएचसी या सीएचसी के क्षेत्र में पड़ते हैं,
वैसा तो हमारे प्रत्येक गांव में आशा बहु और एनम है, परंतु डॉक्टर्स की टीम भी गांव-गांव में भ्रमण कर रही है। इसके अतिरिक्त हम लोगों के पास एक सूची है आशा बहुओं के माध्यम से कि किन गांवों में धात्री महिलाएं हैं, किन गांवों में ऐसी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज पे हैं। तो मेरा अनुरोध उन सब लोगों से है कि जिनके यहाँ भी कोई ऐसी बात है वो तत्काल राजस्व कर्मियों से या आशा बहु से संपर्क कर लें, और रात में कोई समस्या है इससे अच्छा है कि दिन में ही वो केंद्र पर आ जाएं या हॉस्पिटल में आ जाएं। जिन गांवों में जो मैरूंड गांव हो गए हैं और जो नदी की धारा के आसपास है वहां तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैं बहरामपुर गया था, बहरामपुर में नदी के फैलाव का पानी है और उसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं है। वहाँ हमारी तो 6 नावें लगी हैं, लेकिन गांव में चूँकि बहरामपुर हर बार ऐसा होता है कि वहाँ नदी का जो फैला हुआ पानी वहाँ आ जाता है, तो गांव के लोग अपने प्रयोग के लिए अपनी नावें भी रखते हैं। वो सभी सुरक्षित हैं इसलिए कि वहाँ पर कहीं पर भी पानी अधिक नहीं है। फिर भी हम अभी मौके पर गए थे, हमने निर्देशित किया कि प्रत्येक नाव में वो अपने सुरक्षा उपकरण लेकर के, ग्रामीण स्तर पर सब लोगों के पास कोई ना कोई सुरक्षा उपकरण है, उनको लेकर के जरूर चलें।